डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। सिंपल सा लॉजिक पहले समझ लो। प्राइवेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स का रहता है, ठीक है, तुम अपना फैमिली का, इंडिविजुअल्स का रहता है, ठीक है ना। और पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट का रहता है कि कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आना है, टैक्स नॉन टैक्स कहाँ जाना है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनेंस तो प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल का है। सो प्राइवेट फाइनेंस डिसाइड या डील करता है गवर्नमेंट का कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन बजट में जहाँ खर्चा करना है तो कमाना भी पड़ेगा। अरे समझ में, खर्चा ही करते जा रहा है हर जगह पे गवर्नमेंट, बाद में श्रीलंका की तरह हो जाएगा। इतना ज्यादा कर्जा ले लिया श्रीलंका ने चाइना से और पाकिस्तान ने चाइना से, दोनों देश डूब। कर्जे का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा, आज हम लोग, तुमको विश्वास नहीं होगा, बुलेट ट्रेन का मैं तुमको कुछ डिटेल्स देता हूँ। बुलेट ट्रेन कौन बना रहा है? एक्चुअली जापान अपने को बना के दे रहा है, और उसका लागत है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का वो बजट है, और बिकॉज डिले हुआ था ना, तो ये 1 लाख 1.25 लाख करोड़ में जाएगा। 25% काम बुलेट ट्रेन का हो जाएगा, हो चुका, अभी सिर्फ 75% काम बाकी है। ये अब क्वेश्चन ये है कि पब्लिक फाइनेंस के तौर पर गवर्नमेंट ने कहाँ से लाया है। गवर्नमेंट ने जापान के साथ, जापानीज गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें जापान अपने को 1 लाख करोड़ ट्रेन बना के दे रहा है एट 0% इंटरेस्ट रेट। ये हम गवर्नमेंट को ऑफ जापान को लौटाएंगे। अब इसमें अपना लोड है कुछ भी नहीं, ब्याज अपने को तो फुकट का मिल रहा है जापान से, ठीक है ना। अब पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका ने गलती क्या किया पब्लिक फाइनेंस में? उन्होंने कर्जा लिया 7% 10% से। तुम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%। रिस्क बढ़ता है तो 3 4 5 6। तुम्हारे पाकिस्तान और श्रीलंका ने ओवर इंटरेस्ट ले लिया। अभी 1 लाख करोड़ का 8% कितना हुआ? 8 हजार करोड़। 8 हजार करोड़ मजाक नहीं है पाकिस्तान और चाइना के लिए। इसलिए वो दोनों देश, श्रीलंका तो डूब गया, पाकिस्तान डूबने पे, पाकिस्तान भी आज नहीं तो कल डूब जाएगा। वो क्यों बचा हुआ है? क्योंकि उन्होंने, आईएमएफ ने उनको कुछ लोन अभी सैंक्शन किया है। आईएमएफ ने नहीं किया होता पिछले महीने 2 3 महीने पहले, तो आज पाकिस्तान पूरे तरीके से डूब गया होगा। पाकिस्तान वो आईएमएफ का कर्जे की वजह से बच गया। मुझे लगता है 30 हजार करोड़ दिया होगा आईएमएफ, उसके ऊपर तो देना नहीं है, ये लास्ट का पैसा है। इसके ऊपर चाइना, चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि चाइना कर्जा दे रहा है लेकिन पाकिस्तान रिटर्न करने का होना तो चाहिए। और ब्याज ही इतना आ गया है पाकिस्तान पे कि वो लोग ब्याज भरने के लिए कर्जा ले रहे हैं। प्रिंसिपल तो जाने दो। सोचो तुमने 50 लाख का कर्जा लिया है और 5 लाख का ब्याज इंटरेस्ट आया। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने एसबीआई से कर्जा लिया, तुम एचडीएफसी से 5 लाख का कर्जा लेते हो एसबीआई का इंटरेस्ट भरने, तुम्हारी स्थिति तो और बिगड़ गई है। तुम इंटरेस्ट भरने के लिए कर्जा ले रहे हैं, यह पाकिस्तान की हालत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो फॉरेन एक्सचेंज के लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस। पाकिस्तान को तो देना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, लेकिन उसको आसानी से कर्जा मिलना मिलता नहीं है, क्योंकि उन टेररिस्ट फंडिंग के तहत वो कोई लिस्ट में शामिल है। अब देगा कौन? चाइना। अब चाइना फुकट का तो देगा नहीं, तो चाइना ने इंटरेस्ट तगड़ा वसूला। आईएमएफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि पाकिस्तान को पेट्रोल लगता है, लेकिन आईएमएफ ने कंडीशन डाल दिया कि भाई तुम जो पेट्रोल 100 125 में बेच रहे हो, तुम सब्सिडी दे रहे हो, बंद करो। पाकिस्तान ने मना कर दिया, आईएमएफ ने मना कर दिया, तो ये चलता रहा उनका। लास्ट में पाकिस्तान को झक मार के बढ़ाना पड़ा, उनका दाम पेट्रोल 100 रुपए से 250 रुपए में आ गया 15 दिन 1 महीने के अंदर, 150 रुपए बढ़ गया। 150 रुपया तुम खाने के आइटम सीधा बात है ना, बढ़ जाएगा।
श्रीलंका का तो 500 रुपीज लीटर के हालत में चल रहा है, और अपन बोलते इंडिया में ज्यादा है, इंडिया में कम है। अच्छा कम है मतलब रीजनेबल है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया ने कर्जे पे थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ है, और कर्जा भी लिया तो IMF वर्ल्ड बैंक अमेरिका 2-3% के ब्याज से लिया हुआ है, वो अफोर्डेबल बैठता है। इन लोगों ने IMF वर्ल्ड बैंक आसानी से दे दे देगा नहीं, और दिया होगा तो खत्म हो गया होगा, तो इन लोग के पास चाइना अमेरिका बचता है। अमेरिका तो पाकिस्तान को ग्रांट देता था, ग्रांट मतलब नॉन रिफंडेबल गिफ्ट, वो दे दे के थक गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया, ट्रंप ने पहले बंद करा दिया पाकिस्तान को ग्रांट। ट्रंप देगा थोड़ी, ट्रंप धंधे वाला आदमी है, वो बोलेगा मैं फुकट का 5,000 करोड़ तो मुझे नहीं मिले तो कैसे चलेगा, अमेरिका को नुकसान होता है बंद। ट्रंप आने के बाद पाकिस्तान का बैंड बजा, फिर IMF ने अभी बचाया पाकिस्तान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज सिंपल सा है, पब्लिक फाइनेंस में सोशल एडवांटेज, जो भी खर्चा होगा लोक भलाई के लिए होगा, और प्राइवेट फाइनेंस में प्राइवेट इंटरेस्ट। तुम्हारा मेन उद्देश्य क्या है, घर ठीक से चले, ठीक है ना, ये तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा। नाउ इसके बाद इसको मैं एक एंटर मार दूं तो, हाँ नेक्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पहले डिसाइड करता है खर्चा कहाँ करना है। देखो एक डेवलपमेंट खर्चा, ठीक है, एडुकेशन डेवलपमेंट है, एक नॉन डेवलपमेंट, तुम्हारा डिफेंस क्या है, नॉन डेवलपमेंट खर्चा है। एक बार रॉकेट लॉन्च कर दिया तो गया ना, उससे काहे का डेवलपमेंट होता है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कहाँ डेवलपमेंट है कहाँ नहीं है, ये गवर्नमेंट विल डिसाइड। यहाँ पे इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसका इनकम क्या रहेगा और खर्चा क्या रहेगा। चौथा, क्रेडिट स्टेटस, देयर इज हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। कर्जा तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का आमदनी कम पड़ता है, खर्चा हमेशा ज्यादा रहता है। और मैं बाद में दिखाऊंगा, गवर्नमेंट का आमदनी यदि 25 लाख करोड़ है, तो गवर्नमेंट ने यदि दिखाया खर्चा 24 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ बच गया ना गवर्नमेंट का। खबर अच्छी है ना, लेकिन लोग गाली देते हैं, यहाँ गरीब भूखा है और तुम पैसा बचा रहे हो, समझ में आया। तो आज के तारीख में वर्ल्ड का सब कंट्रीज 25 लाख का आमदनी है ना, तो खर्चा 26 लाख करोड़। भाई गवर्नमेंट बता सकता है, हमने लोक सेवा के लिए इतना पैसा लिया, 1 लाख करोड़ कम पड़ा तो कर्जा लिया, लेकिन हमने लोगों का नुकसान होने नहीं दिया। प्रैक्टिकल है ना भाई इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट 25 लाख करोड़ का 26 दिखाएगा तो एटलीस्ट लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमारे लिए खर्चा की आमदनी से ज्यादा हमारे सेवा में। लगभग 99% गवर्नमेंट ऐसे ही काम करते हैं, आमदनी से थोड़ा ज्यादा खर्चा करते, डेफिसिट में हर गवर्नमेंट अपना बजट करते। यहाँ पे द क्रेडिट इन द मार्केट इज लिमिटेड, गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए तो इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट सब जगह से मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट आदमी को कहाँ से कोई देगा। तुम्हारे इनकम टैक्स क्लियर है तो देगा, वरना नहीं मिलता है कर्जा आसानी से। राइट टू प्रिंट करेंसी, RBI करेंसी प्रिंट कर सकता है यदि शॉर्ट पड़ा, लेकिन जितना गोल्ड है उतना करेंसी प्रिंट होता है। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रिंट नहीं कर सकता भाई करेंसी। तुम नोट्स प्रिंटिंग करने जेरोक्स दुकान में जाओ, उसको वो मना कर देगा, इल्लीगल है, वैसा भी नहीं कर सकते जहां तक मेरा नॉलेज है। तुम करेंसी भी जेरोक्स नहीं करा सकते, और जो मार्केट में मिलता है दुकानों में 1,000 2,000 500 के नोट, उसमें लिखा रहता है डुप्लीकेट या फॉर मतलब फॉर सेल पर्पजेस। करेंसी को तुम प्रिंट नहीं कर सकते, जेरोक्स भी नहीं ले सकते दिखाने के लिए कि हाँ किसी फ्रेंड को की जेरोक्स, क्योंकि लोग डुप्लीकेट आने का डर रहता है ना, तो वो अलाउड नहीं करते, केस हो जाएगा उसका। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस काफी इलास्टिक है, मतलब कि तुम टैक्स बढ़ाओ तो पैसा ज्यादा आएगा, टैक्स कम करो तो हो सकता है नुकसान हो। तो अभी गवर्नमेंट मार्केट देख के टैक्स डिसाइड करता है, इलेक्शन भी इसमें होता है, सो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स साथ में चलते। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिक्स ही तो है। मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस माइक्रो नहीं है, मैक्रो का टॉपिक है। प्राइवेट फाइनेंस का इलास्टिसिटी तुम कैसे खींचोगे, तुम्हारे फैमिली का आमदनी 1 लाख रुपए है, तुम 10 लाख तो नहीं कर पाओगे। सीधा हिसाब है ना, तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा कमाई हो रहा है महीने का 1 लाख, तुम एक झटके में 10 लाख कैसे करोगे। गवर्नमेंट कर्जा लेके कर सकता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट आदमी को नहीं है।
इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ट्रिमेंडस इंपैक्ट है ना भाई। यदि तुमको एक सिंपल सा हिसाब बता, अपने देश में 7 लाख करोड़ के कार्स बनते हैं, कार मतलब ऑटोमोबाइल्स, इसमें से आधे एक्सपोर्ट होते हैं, 3.5 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ में अपने देश में जीएसटी तो सुना है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है जीएसटी का, कौन सा सेक्टर? ऑटोमोबाइल सेक्टर देता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर देता है। इसमें टैक्स कम ज्यादा हो जाए, जरा सा टैक्स कम हो जाए, पूरा देश का इकोनॉमी में असर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को 7 लाख करोड़ में कम से कम 2 लाख करोड़ ये देता है, 2 लाख और 2-2.5 लाख करोड़ ये देता है, और थोड़ा सा कम पेट्रोल देता है, क्रूड ऑयल पे जो कलेक्शन, ये दोनों में टैक्स कम ज्यादा हो गया ना, पूरा देश में असर होता है। अभी रशिया से अपने डिस्काउंटेड फ्यूल खरीदा था पता है ना, बाकी जगह मिल रहा था आई थिंक 100 डॉलर्स अ गैलन, जहां तक मुझे पता है रशिया अपने को 78 डॉलर्स, क्योंकि यूक्रेन का साथ वॉर हुआ था तो रशिया को भी पैसे चाहिए थे। इंडिया ने सबसे ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, चाइना और इंडिया ही सबसे ज्यादा रशिया से खरीद रहे। पिछले 1-2 महीने में गवर्नमेंट ने कितने बचाए कोई आइडिया? सस्ते में 25,000 करोड़ का गवर्नमेंट का बजट, समझ में आ रहा है? आज तुम्हारा नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे 2-5 हजार करोड़ में बन जाता है, सोचो ना, पूरा नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है उस बजट से। इनफैक्ट ना, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है 25,000 करोड़ से। तो भाई इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता ही है ये सब में। लेकिन एक और है, गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में गरीब लोग को फ्री सिलेंडर, फ्री अनाज बांटा ना, उसमें गवर्नमेंट का 2-4 लाख करोड़ बहुत उतना कम हो गया, तो इकोनॉमी को असर होता है। फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी कम हो जाती, ठीक है, और इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, एक आदमी कम ज्यादा खर्चे का इकोनॉमी को क्या असर कर पाएगा? तुमने शॉपिंग 2,000 के बजाय 2,500 किया है, 1,500 किया, इकोनॉमी को कितना असर होगा? लगभग नहीं के बराबर। सो प्राइवेट बहुत कम असर होता है। तो ये था पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बारे में।